अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। सैटरडे का दिन है और ये स्टोव साफ़ करी थी, गैस स्टोव, जो कि बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है ओवर द टाइम। अराउंड 1.5 वीक के बाद ये बहुत डर्टी हो जाता है। जिसमें मैं दाल बना रही थी लास्ट टाइम, आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो मैं वैसे तो इसको साफ़ करके फॉइल ऊपर जो है वो इसके ऊपर फॉइल चढ़ा देती हूँ, लेकिन समटाइम ये होता है कि फॉइल में भी जो है वो कुछ अगर गिर जाए तो वो लीक आउट करके गंदा हो जाता है स्टोव, तो उसको मैं साफ़ करना मस्ट होता है। तो ये मैं स्प्रे यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, जो बहुत अच्छी स्प्रे है, बहुत अच्छे से साफ़ कर देती है। कुछ जो भी ग्रीस हो या कोई भी हो, सब कुछ गंदगी जो है वो बिल्कुल क्लीन अप हो जाता है स्टोव। आप देखिएगा मैं अच्छे अच्छे से इस ब्रश से जो है वो कर रही हूँ साफ़, और इससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते इससे, और आराम से ये साफ़ भी हो जाता है। वैसे तो फॉइल की वजह से काफ़ी ये बचा रहता है, इसमें ज़्यादा जो है वो इतना डर्टी नहीं होता। बस स्प्रे करके, ब्रश करके इसको मैं टिश्यू से वाइप ऑफ कर देती हूँ, और ये देखिए चमक गया है। बिफ़ोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो गया है। तो 1 वीक आप इसको साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो मतलब हर दूसरे हफ्ते साफ़ हो जाता है, कोई ऐसा नहीं होता। अगर विदाउट फॉइल के अगर आप यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपका बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है, और मतलब कि एवरी डे ही आपको ये साफ़ करना ही पड़ता है। अगर फॉइल है तो फिर तो ये है कि फॉइल के ऊपर आप थोड़ा वाइप मार देंगे, कुछ गिर भी गया तो वो तकरीबन 1.5 वीक निकल जाती है फॉइल। तो यहाँ मैं फॉइल को कट ऑफ कर रही थी, फॉइल ऊपर चढ़ा के, ताकि यहाँ से जो इसके गैस के होल्स हैं वो ओपन हो और जिसमें गैस आती है। तो इसमें फिर मैंने धो दिए थे सारी चीज़ें, और इसके बाद मैंने इसको वापस रख ली थी इसमें, और ऐसे देखिए स्टोव बिल्कुल क्लीन अप हो जाता है। और ये बहुत इजी लाइफ हो जाती है इससे, कि आपको डेली इसको साफ़ नहीं करना पड़ता। एंड क्योंकि बिजी मॉम्स होती हैं जो कि बच्चों के साथ और बाहर के काम और फिर खाना बनाना, सफाई करना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, तो अगर इसी में दिन गुजार देंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो काम करना। वो मैंने कर चुकी थी। इसके बाद मैं यहाँ पर, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी जिसमें मैं किचन में सुबह में थी, तो मैं यहाँ पर उसके लिए चिकन बर्गर बना रही थी, क्योंकि उसको चिकन बर्गर बहुत अच्छा लगता है। और सैटरडे था, तो सैटरडे को तो वैसे भी बच्चों को छुट्टी होती है, घर में होते हैं तो फरमाइश करते हैं मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, तो फिर मैंने इसको चिकन बर्गर बना के दिया। और बच्चों को जो है वो सैटरडे को अपनी फरमाइश करते हैं कि जो उनको खाना होता है उसके लिहाज से उनको फिर हम बना के देते हैं। वैसे तो स्कूल में रहते हैं तो इतनी फरमाइश नहीं कर पाते, जब सैटरडे संडे, यहाँ यूरोप में सैटरडे संडे छुट्टी होती है बच्चों को, तो यहाँ पर फिर बच्चे जो है वो घर में होते हैं, मेरा बच्चा जो है वो घर में ही होता है, और सैटरडे संडे वैसे फिर रात हो चुकी थी। तो आज वीकेंड था, तो हमने सोचा कि हम बाहर से जो है वो कुछ टेक अवे ऑर्डर कर लें, तो हमने रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा की डील ले ली थी। इसमें डोनट था और पिज़्ज़ा था, क्योंकि आज मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था बनाने का, आज वीकेंड था, मैं सफाई में बहुत बिजी रही, बहुत टायर्ड हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग शाम के टाइम आए हुए थे रेस्टोरेंट, तो हमने कहा हम डील ले लेते हैं, ताकि जो है वो, और थकन बहुत हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया पूरा दिन, सिर्फ एक बेटे को बर्गर बना के दिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी कुकिंग नहीं किया आज, क्योंकि वीकेंड में मैं इतनी बिजी होती हूँ, डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, और आपको पता ही बहुत सारे घर के काम होते हैं, तो उसकी वजह से बस ये मैं बाहर आई हुई थी, और यहाँ से हमने बस पिज़्ज़ा जो है वो टेक अवे करवा लिया था, ताकि आज मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है, ट्रीट वगैरह करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि पूरा दिन थका हुआ इंसान जो है वो खाना भी बनाए और सारे घर के काम करे, इट्स वेरी हार्ड लाइफ हो जाती है। तो यहाँ पर हम घर आ गए थे, और ये हमारी रही डील, हमने पिज़्ज़ा लिया था, पिज़्ज़ा के साथ एक चिकन टिक्का डोनर था और करी चीज़ चिप्स भी थी। ये करी चीज़ चिप्स जो हमें बहुत पसंद है, ये तो हम साथ हमेशा लेते हैं डील के साथ, और यम्मी यम्मी सा पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा था, बहुत ही मज़े का था, बहुत हमने इंजॉय किया और बहुत टेस्टी था। चले